हेलो बच्चों मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं बच्चों आज मैं आपके सामने देखिए ये टॉपिक लेकर आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक लेकर आया हूं ठीक है स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट मैंने इसके प्रीवियस में एक वीडियो बनाया है जो कि इससे रिलेटेड है ठीक है स्टूडेंट वहां पर मैंने क्या क्या बताया आप ध्यान दीजिएगा पहले वहां पर मैंने बताया है इंगल ठीक एंगल के बारे में जैसे साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 90 डिग्री साइन 120 डिग्री साइन 135 डिग्री मैंने 90 के ऊपर के भी एंगल स्टूडेंट वहाँ पर मैंने बताए हैं ठीक है वहाँ पर साइन क्या है साइन कहाँ से आया ठीक है ये सब बातें बताया है तो अगर स्टूडेंट उस वीडियो का अभी तक आप ना देखे हों तो सबसे पहले तो उस वीडियो को आप देख लें ताकि ये कुछ ये जो इसमें इस वीडियो में, इस में जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर देखिए जो आज मैं आपको बताऊँगा एकदम बिल्कुल आपको सटीक बताऊँगा एकदम आपको हंड्रेड वन परसेंट आपको एकदम रट जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ पर जो बुक हम लिए हुए हैं वो बुक कौन सी है आपकी ये बुक है स्टूडेंट देखिए ये बुक है नगीन प्रकाशन की बुक है ठीक है आप इसको देख सकते हो और स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें जो है अभी इस समय हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको एक्सरसाइज ये पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट देखिए ये ठीक है तो अब ये एक्सरसाइज कौन सा है ये आपका एक्सरसाइज जो है हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है तो स्टूडेंट इसमें देखिए सबसे पहली बात है कि मैंने आपको डिप्रेशन एंगल वगैरह जो है पिछली वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ तो स्टूडेंट आप चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है तो स्टूडेंट देखिए इसमें समय को न नष्ट करते हुए क्वेश्चन सीधा सीधा हम लगाना शुरू करते हैं और देखिए स्टूडेंट मैं इसमें जो है क्वेश्चन लगाता जाऊँगा बाकी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखने का प्रयत्न नहीं करूँगा क्योंकि लैंग्वेज का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है लगाना आपको आना चाहिए आप सही से लगा दो बस के लिए इंपॉर्टेंट रखता है देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए दोनों लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा हिंदी भी बोल दूँगा और उसका इंग्लिश भी देखिए पहले इंग्लिश में आप इसको समझिए क्या लिखा है लिखा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल एट अ टाइम इज थ्री टाइम्स इट्स हाइट फाइंड एंगल ऑफ फाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन ठीक है तो यहाँ पर सन का जो है एलिवेशन एंगल बनाना है आपको स्टूडेंट्स तो आप एक काम करिए स्टूडेंट सबसे पहला काम यह है कि पहले तो हम पोल बना लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है पहले हिंदी में समझ लेते हैं कह रहा है एक पोल है माने एक खंभा है ठीक है जिसकी परछाई जो है खंभे की ऊंचाई की तीन गुनी है अंडर उड तीन गुनी है कितनी गुनी है अंडर थ्री टाइम्स है तीन गुनी है तो so, पूछ रहा है कि सूर के उन्नयन कोण क्या होगा माने सूर का उन्नयन कोण क्या होगा ये पूछ रहा है तो so, स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं हिंदी में आपको भी बता दिया हूँ आपके पास ये बुक है तो आप हिंदी में उसको मिला लीजिएगा ठीक है तो so, स्टूडेंट सबसे पहले क्या कह रहा है कह रहा है इसमें कि एक जो है आपके पास में क्या है एक आपके पास में पोल है ठीक है ये मान लेता हूँ पोल है ठीक ये आपका पोल है क्लियर हो गया होगा माने खंभा जिसे बोलते हैं तो आप चाहो तो आप लिख लीजिएगा खंभा लिख दीजिएगा इसकी जगह पे और कह रहा इस खंभे की जो परछाई है ये मान लेता हूँ ये परछाई है तो कह रहा है खंभे की परछाई की ये अंडरवुड थ्री टाइम्स है तो अगर मान लेता हूं लेट कर लेता हूं ठीक है लेंथ ऑफ लेट कर लूंगा मान लीजिए मान लूंगा ठीक है लेट किया कि लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ हाइट एंड लेंथ ऑफ पोल लेंथ ऑफ पोल लिख दे रहा हूँ पोल की लंबाई इसको टू एक्स मान लिया तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा आए तो इसलिए क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ है सेडो सैडो कितना हो जाएगा अंडर थ्री एक्स हो जाएगा कि नहीं लेंथ ऑफ सैडो तो चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट तो इसको मैं इस यहाँ से मिला देता हूँ इसको ठीक और अब यहाँ पर मान लेता हूँ ए है ये बी है ये सी है बी पे नाइन्टी डिग्री बन रहा है ठीक है स्टूडेंट मान लेता हूँ ये यक है तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट थ्री यक्ष हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है ये एंगल पूछ रहा है मतलब ये एंगल कौन सा एंगल है भाई ये एंगल आपका एंगल ऑफ आप एलिवेशन है तो यहां पर क्या पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ ही रहा है माने और उन्नक पूछ रहा है सन का तो सन कहाँ पर है मान लेता हूँ यहाँ कहीं सन है ठीक है चलिए तो स्टूडेंट एक काम करते हैं हम इस्ट्रिंगल को ले लेते हैं स्ट्रेंगल का नाम क्या है इन इंट्रेंगल क्या नाम है इसका ए बी सी है तो यहां लिखेंगे ए बी सी लिख दिया ठीक है स्टूडेंट तो अब यहां पर देखिए आपने पढ़ा है कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो स्टूडेंट एक बात मैं आपको और भी बता देता हूं जहां परपेंडिकुलर और बेस की बात आती है उसके लिए मैं बात करूंगा ठीक है स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या होगा देखिए ध्यान दीजिएगा आपने पढ़ा है परपेंडेख पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ये चीज आपको याद करने की जरूरत है याद रहेगा तो सारा काम हो जाएगा जैसे कोई आपसे पूछ ले स्टूडेंट साइन के लिए पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर अपान हाईपोटोनिज काज के लिए पूछेगा तो बेस अपान हाईपोर्टोनिज टेन के लिए पूछेगा स्टूडेंट की क्या होगी वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपन बेस होगा और उसके बाद कार्ड के लिए पूछेगा तो बेस अपान परपेंडिकुलर उसके बाद सिक के लिए पूछेगा तो हाइपोटोनिक अपान <T diagnoseDamn Ferrant Fallout> बेस हो जाएगा कॉ के लिए पूछेगा स्टूडेंट तो हाइपोटोनिक अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा तो स्टूडेंट ये चीज़ आपका बनेगा तो स्टूडेंट एक काम यहाँ पर करते हैं तो ये ट्रेंगल ले लिया ए बी सी अब इस ट्रेंगल में मान लेता हूँ ये आप ये एंगल पूछ रहा है ठीक है तो एंगल यहाँ पर सी है ठीक है ये आपका क्या है ये यही तो आपका एंगल आप आ, ए, एलिवेशन तो स्टूडेंट इसी की वैल्यू बताना है आपको तो आप क्या करोगे आपके पास देखिए परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है तो परपेंडिकुलर और बेस किस मतलब बेस किस में है इसमें है टैन वाले में देखो स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपान बेस तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या लगाओगे टैन थीटा इज टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कौन है ए बी है और अपन बेस बेस कौन है स्टूडेंट बी सी है तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखोगे टैन टेन और थीटा की जगह क्या लिखा है थिएटर लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखा है इसकी जगह है और इसकी जगह अंडर रूट थ्री और यहाँ एक तो इससे कैंसिल हो गया तो वन अपान रूड थ्री आ गया तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा टेन थिएटर स्कूल टू आ गया वन अपॉन रूड थ्री और स्टूडेंट बताइए वन अपार रूट थ्री टेन में किसकी वैल्यू होती है तो स्टूडेंट आपने देख आपने पढ़ा है कि टेन थर्टी डिग्री की होती है तो टेन से टेन खत्म हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा थर्टी डिग्री तो एंगल आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका आ गया थर्टी डिग्री तो स्टूडेंट यही थर्टी डिग्री आपका क्या है बताइए यही तो आपका है उन्नयन कोण तो यहाँ पर यह आपका आ जाएगा ठीक है यहां पर लेट कर लीजिएगा एंड लेट एंगल सी इक्वल टू थीटा ठीक क्लियर तो अब यहां पर चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है तो आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप लगाओगे और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं स्टूडेंट नंबर दो पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए लिखा है A circus artist is climbing a thirty-meter rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to ground. Find the height of the pole to ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is thirty degrees, as shown in the figure. तो स्टूडेंट ये तो बड़ा आसान है भाई इसमें तो कह रहा है कि एक जो है ये देखिए फिगर पहलेने से बना हुआ है कह रहा है कि ऐसा एक, एक फिगर बना हुआ है देखिए ध्यान दीजिएगा ऐसे आपके बुक में भी बना होगा आप अपनी बुक में इसको देख लीजिए और यहाँ पर थर्टी डिग्री है ठीक है और ये भी आपका थर्टी मीटर है और ये आपका ए मान लेता हूँ ये बी है ये सी है मान लेता हूँ ठीक है इसमें कह रहा है कि देखिए एक जो है आर्टिस्ट है जो क्या करता है इस रोप पे चलता है जैसे ये रोप है देख रहे हो ना स्टूडेंट इस रोप पे आर्टिस्ट क्या करता है चलता है जो सर्कस वाले होते हैं वो रस्सी पे चलते नहीं है क्या तो उसी तरीके से ये जो सर्कस वाला इस रस्सी पे चलता है और ये रोप जो है कहाँ बंधा है रोप माने रस्सी होता है बच्चा तो ये जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये रोप जो है कहाँ बंधा है बताइए है एक पोल में बंधा है यहाँ पर कोई पोल है और उसी पोल पर ऊपर रस्सी को यहाँ बांधे और एक नीचे जमीन में यहाँ बांध दिए हैं और इसी पे ये चढ़ रहा है तो पूछ रहा है क्या कि इस जो आ, क्या नाम है कि यहाँ पर क्या पूछ रहा बच्चा यहाँ पर हाइट आपकी पोल पूछ रहा है और कह रहा है कि जब इस पर यह चढ़ रहा है देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा तो जब इस पर चढ़ रहा है तो जो रस्सी है और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हो इसके बीच का एंगल थर्टी डिग्री है ठीक है तो कह रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी ठीक है इसकी हाइट तो कुछ नहीं करना बच्चा इस तो और आसान है इसमें भी वही करना है भाई यहां पर नाइनटी डिग्री है अब एक बात बताओ मुझे जरा क्या क्या आपके पास दिया है हाइट पूछ रहा ना तो इसकी हाइट मान लेता हूं छह तो यहां लेट कर लीजिए ठीक है हाइट ठीक है हाइट ऑफ पोल स्कूल टू यक्स ठीक है तो ठीक है तो अब यहां पर एक चीज देखिए यहां पर क्या हो जाएगा तो स्टूडेंट आप एक चीज़ देख रहे हो कि हाइट ऑफ दी पोलियक्स माना हमने ठीक है अब चलिए ठीक कोई दिक्कत नहीं है अब एक चीज यहां पर स्टूडेंट देखिए कि ये हमारे पास क्या क्या गिवन में है परपेंडिकुलर है और हाइप ये हाइप्रोटोन दिया है ठीक है तो स्टूडेंट इस हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं परपेंडिकुलर और हाइप्रोटोनिन में कौन है परपेंडिकुलर हाइपोट्रोलिन में दो फार्मूला है एक तो कौशिक है एक तो साइन है तो हम लोग साइन ही लगा देते हैं तो यहां लिखते हैं इन इंटरेंगल क्या नाम है ए बी सी साइन कितना थर्टी डिग्री तो थर्टी डिग्री क्या होगा बताओ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनिस परपेंडिकुलर कौन है ए बी है अपॉन हाइपोटनिस कौन है स्टूडेंट ए सी है तो यहाँ पर लिख दिया अब ए बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट बताओ वन अपान टू होता है ठीक है और यहाँ ए बी की वैल्यू ए बी की वैल्यू आपका यच दिया है और ए सी की वैल्यू यहाँ पर थर्टी है तो स्टूडेंट इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा टू एच और यहाँ पर थर्टी हो गया तो यच बराबर कितना आएगा स्टूडेंट थर्टी अपॉन टू तो ये आ गया फिफ्टीन तो स्टूडेंट यहाँ पर हाइट कितना आ गया फिफ्टीन मीटर तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये मतलब आराम से निकल जाएगा देखिए कुछ कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ना जो भी है बस बनाया फिगर आपका काम खत्म हो गया इसमें ठीक है तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप निकाल सकते हो अच्छा इसमें क्या है मैं केवल एक ही काम देख रहा हूं कि यहां पर क्या क्या गिवन में है जैसे यहां पर हाइप्रोटोन दिया था और ये परपेंडिकुलर हाइप्रोटोनिन मतलब कर्ण ठीक है और परपेंडिकुलर मतलब दो चीज़ दिया था तो स्टूडेंट हमने इस दो चीज़ों को लेकर के पटाख से जो है भाई इन दो चीज़ किस में आता है मैंने देखा कि साइन में आता है तो साइन वाला फार्मूला लगा दिया काम खत्म हो गया लगा दिया बस ओके हो गया तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें शेयर कर दें और बेलाइकन के बटन को अवश्य दबा दें थैंक यू